छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ वाहन डीलर ने एक तरफ ग्राहक से नई मोटरसाइकिल की पूरी कीमत ले ली और दूसरी तरफ उसी गाड़ी के बैंक से फाइनेंस करवाकर फाइनेंस की रकम भी ले ली। इसे ग्राहक के प्रति व्यवसायिक कदाचार और अनुचित व्यापार प्रथा का कृत्य मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग ने सरस्वती मोटर्स जामूल के प्रोप्राइटर सत्यप्रकाश बंजारे पर 50,129 रुपए हर्जाना लगाया है। दरअसल जेवरा सिरसा निवासी महेंद्र निषाद की ओर से पेश परिवाद के अनुसार परिवादी मत्स्य पालक है, जिसके कारण उसे उप संचालक मछली पालन विभाग द्वारा मोटरसाइकिल खरीदने हेतु अनुदान राशि 30,000 रुपए प्राप्त हुई थी और शेष राशि उसके द्वारा नगद भुगतान कर मोटरसाइकिल क्रय किया जाना था। परिवादी द्वारा खरीदी जा रही मोटरसाइकिल की कीमत 62,851 रुपए थी, जिसमें से उप संचालक मछली पालन विभाग द्वारा वाहन डीलर के नाम से 30,000 चेक प्रदान किया गया एवं परिवादी ने अपनी ओर से 35,000 रुपए नगद भुगतान किया। इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेंद्र पाध्यव व लता चंद्राकर ने प्रकरण में प्रस्तुत रसीदों व दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित पाया कि वाहन डीलर ने शासकीय अनुदान के साथ नगद राशि मिलाकर 65,000 रुपए प्रतिवादी से प्राप्त कर लिए और दूसरी तरफ से बैंक का कर्जदार बनाते हुए 32,000 रुपए भी प्राप्त कर लिए। इस प्रकार वाहन डीलर ने वाहन की कुल कीमत 62,851 रुपए के विरुद्ध 97,000 रुपए वसूल किए, अर्थात मोटरसाइकिल के एवज में 34,149 रुपए अतिरिक्त प्राप्त कर लिए गए, जो कि स्पष्ट रूप से व्यवसायिक कदाचार और अनुचित व्यापार प्रथा की पराकाष्ठा है। फोरम ने कहा कि ग्रामीण परिवेश के कम पढ़े लिखे व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलने की स्थिति का अनावेदक जैसे वाहन डीलर अनुचित लाभ उठाते हैं, जबकि ऐसे शासक ऐसे मत्स्य कृषकों के लिए योजना बनाकर उनके जीवन यापन की स्थिति सुधारने मोटरसाइकिल जैसे परिवहन का साधन उपलब्ध करवाने के लिए अनुदान देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भरता देने का प्रयास करता है, लेकिन अनावेदक जैसे विक्रेता व्यवसायी कदाचरण करते हैं और उन्हें अनावश्यक रूप से बैंक का कर्जदार बनाते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेंद्र पाधे व लता चंद्राकर ने व्यवसायिक कदाचरण के लिए वाहन डीलर सरस्वती मोटर्स जामूल के प्रोप्राइटर सत्यप्रकाश बंजारे पर